कहाँ चली गई थी? तुझे हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह तुझे हम ढूंढने जाते थे लेकिन तू कहीं नहीं मिलते। हम क्या तेरे लिए इतने बराए हो गए कि तूने हमें बताया तक नहीं तू कहाँ चली गई? ऐसी बात नहीं है अर्जुन। भाई मेरे सवालों का जवाब दे। तुझे क्या लगा तू एक चिट्ठी भेज देगी, उसमें लिख देगी मैं ठीक हूँ, तुझे ढूंढना बंद कर देंगे? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है तू मुझसे उतना प्यार ही नहीं करती। अगर करती तो ये सब कुछ मुझसे नहीं छुपाती। अर्जुन तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना यहाँ रहना मेरे दिल पर क्या बीतती है मैं ही जानती हूँ बेटा। तू क्यों बर्दाश्त कर रही है? क्यों बर्दाश्त कर रही है? किसके लिए बर्दाश्त कर रही है? तू क्यों मेरे घर नहीं चली आई? तूने मुझसे क्यों छुपाया कि दादा और बहनी ने तुझे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया? क्यों छुपाया बता मुझे? जब अपना ही खून पराया हो जाता है तो किसी से शिकायत करके क्या फायदा? और जो शायद मेरी परवरिश में कुछ गलती रह गई होगी, कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जो मकान मैंने अपना खून पसीना बहाकर बनाया था, आज उसे छोड़कर मुझे यहाँ आकर रहना पड़ रहा है। ये सब किस्मत का खेल है अर्जुन, और मैं अपनी किस्मत के साथ तुम लोगों को बांध कर नहीं रखना चाहती। नहीं आई, इसमें ना तेरे किस्मत का दोष है और ना तेरे परवरिश का। ये सारी चाल बहनी की, उसी ने दादा को भड़काया है और दादा के अंदर पैसों का लालच पैदा किया। लेकिन तू चिंता मत कर आई, आज नहीं तो कल उन्हें अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताए, तू ये सारी चीजें क्यों भुगत रही? तेरी तीन तीन बेटियां हैं तो तुझे दर दर भटकने की क्या जरूरत है? नहीं अर्जुन, अरे मैं दर दर की ठोकरें नहीं खा रही हूँ। यहाँ तो ये सब मेरे जैसे ही है, जिनको अपनों ने ही धोखा दिया है, अपनों ने दुख दिया है। यहाँ ना मुझे कोई धोखा दे सकता है, ना मुझसे कोई कुछ छीन सकता है। माफ कीजिए, हम माँ बेटी के बातों में मैं आपको इसे मिलवाना ही भूल गई। ये मेरी बेटी है अर्जुन, मैंने आपसे कहा था ना इसके बारे में, इसके पति ने मेरे लापता होने की खबर अखबार में छपवाई थी। अर्जुन तू मुझे बता, तुझे मेरे बारे में कैसे पता चला? हाँ किसने कहा तुझे? क्यों किया आपने ऐसा? हाँ ताई, मैंने आपको मना किया था, क्यों किया फिर? पैसों के लिए किया? बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे इसलिए? देखा अर्जुन, मैंने कहा ना मेरी किस्मत ही खराब, मैं चाहे किसी का कितना भी भला चाहूं लोग मुझे धोखा ही देते हैं। नहीं आई, इसमें इनकी कोई गलती नहीं आई, इन्होंने मुझे सच्ची कुछ नहीं बताया और ना ही इन्होंने मुझसे कोई पैसे लिए। मैं सच कह रही हूँ सुलोचना ताई, ये सच है कि मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक दो बार सोचा कि जाकर आपकी बेटी को सब बता दूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने तो जो कुछ किया आप दोनों माँ बेटी को मिलाने के लिए किया। आपकी बेटी का दुख मुझसे देखा नहीं गया ताई। मैंने जो कुछ भी किया मुझे विश्वास है भगवान उसके लिए मुझे जरूर माफ कर देंगे, और शायद मेरे सच्चे काम के लिए मेरे बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा ही होगा, आपके बेटे का ऑपरेशन हम कराएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई, जो हुआ बहुत बुरा हुआ,
लेकिन लेकिन अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, चल हम घर चलते। नहीं अर्चु, मैं घर नहीं आऊंगी। क्यों आई? मेरा घर तेरा घर नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं, लेकिन बेटा तेरा घर मतलब बेटी का ससुराल, और मैं बेटी के ससुराल में आकर नहीं रहूंगी। ठीक है, तुझे मेरे घर नहीं आना ना, लेकिन मानव, भाई मानव तो तेरा बेटा है ना, तो तू उसके घर तो आ सकती है ना, प्लीज आई। नहीं देख, तू जिद मत कर, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, मैं मानव को फोन करके आती हूँ। नहीं तुझे मेरी कसम, मानव को भी नहीं बताएगी और वर्षा वैशाली को भी नहीं बताएगी कि मैं यहाँ पर हूँ। देख, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना ना, तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी कहीं दूर, नहीं, और फिर कभी किसी से नहीं मिलूंगी। भाई प्लीज ऐसे मत कर, क्यों ऐसा कर रही है तू? देख, मैंने कहा ना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ अर्चु, यहाँ पर सब लोग हैं जो मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरा दुख दर्द जान रहे हैं, और तू अगर यहाँ आना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है, तो कभी भी आ सकती है। मैं भी वर्षा वैशाली से मिलने आऊंगी, लेकिन अभी नहीं बेटा, अभी तो मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी, शायद इसी में सबकी भलाई है। तू चल। आई के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने भी परेशान होना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई जहाँ भी है वो बिल्कुल ठीक है। था तेरा फोन आएगा, आई आज मुझे देरी होने वाली है, तुम लोग खाना खा लो। आई तेरे लिए खुशखबरी। खुशखबरी? बोल बोल बोल, क्या है? आशा जी ने ना मेरे लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट की, अब इतनी काबिल है और इतना काम इतनी जल्दी जल्दी करती है कि मेरा वर्कलोड कम हो गया, अब रोज मैं जल्दी आ सकता हूँ और तेरे साथ ज्यादा वक्त बिता सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह, ये खुशखबरी तूने अर्चना को बताई? नहीं बताई, कहाँ है वो? अरे वो बाहर गई है, मतलब मुझे मालूम नहीं कहाँ गई। बिना बताए? हाँ, लेकिन जाके मुझे लगते है 2-3 घंटे हुए हो। लेकिन फिर सचिन कहाँ है? सचिन हमारा नीचे खेल रहा है, तेंदुलकर बनने वाला है ना, क्रिकेट खेल रहा है, और सोहम अंदर सो रहा है, उसका जगने का टाइम था अभी, लेकिन उठा नहीं अभी तक। लगता है मेरा खाना खा के सोने का वक्त आएगा ना, तभी अपनी पिपाणी चालू करेगा। एक बार अर्चना से पूछ लेता हूं कहां है वो। क्या करूं, इतने बड़े सच का बोझ कैसे उठाऊं, सब कुछ जानते हुए भी किसी से कुछ नहीं कहना, मानव से भी नहीं, बहुत मुश्किल। आई तूने कैसी उलझन में मुझे डाल दिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो आशा, कहाँ हो तुम? आई कह रही है कि बिना बताए हुए गई। वो मानव एक सहेली मिल गई थी मार्केट में, मैं बस आ ही रही हूँ घर पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ आ रही। अरे आशा, तुम कहाँ थी? सोहम कब से रो रहा है पता है? आई अभी उसे बाहर लेके गई। मैंने वो ऑटो नहीं मिल रही थी ना, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। तुझे मेरी कसम, मानो को भी नहीं बताएगी और वर्षा वैशाली को भी नहीं बताएगी कि मैं यहाँ पर हूँ। देख, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना ना, तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी कहीं दूर, और फिर कभी किसी से नहीं मिलूंगी। क्या वर्ष परेशान? परेशान होगी भी क्यों नहीं, आज भी आई नहीं मिली। पेपर में वो आर्टिकल देने के बाद भी जितने फोन आ रहे हैं सब झूठ है, सिर्फ पैसों के लिए आ रहे, सारे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे।
तुम्हारा परेशान होना जायज है, लेकिन अर्चना अच्छा मैं सच कहता हूँ, हम लोग आई को ढूंढ निकाले, तुम चिंता मत करो। मानव आपको आई के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने भी परेशान होना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आई जहाँ भी है वो बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब है आप आई जहाँ भी होगी वो ठीक ही होगी ना। आई ने चिट्ठी में लिखा तो था कि वो ठीक है और जल्दी घर वापस आ जाएगी, तो क्या वजह है फिर परेशान होने की ना। ये खबर सुन के मुझे भी तसल्ली हुई, लेकिन जब तक आई नहीं मिल जाती तब तक मुझे चैन नहीं होगा। देखना किसको फोन। हेलो, मैं रिया बोल रही हूँ, क्या मैं मानव सर से बात कर सकती हूँ? क्या काम है? वो हमारे बदलापुर वाले प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक अर्जेंट काम है, उसी के बारे में बात करनी है। मानव हा? आपके लिए फोन। किसका फोन? रिया। हेलो सर, वो बदलापुर वाले प्रोजेक्ट की फाइल रेडी है, आपके घर भिजवा दूं? नहीं नहीं, मैं कल ऑफिस में आके देख लूं। सर आपसे एक बात कहनी थी, आज एक्चुअली मैंने फिल्म की 2 टिकट्स ली है, अगर आप साथ चले तो। फिल्म? देखो मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता, तुम किसी और के साथ चले जाओ। प्लीज सर, लेकिन मैंने कहा ना तुमसे मैं नहीं आ सकता, और हाँ ऐसा कुछ प्लान करने से पहले मुझे इन्फॉर्म किया करो, कल तुमसे ऑफिस में मिलता हूँ। मानव मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगी, पता नहीं क्यों। क्यों तुम जेलस फील कर रहे हो? उसने फिल्म के लिए बोला इसलिए। मैं क्यों जेलस फील करूंगी, मैं सारी बातें कहती भी नहीं, अगर वो मुझसे झूठ नहीं बोलती तो उसे झूठ कहने की क्या जरूरत थी मुझसे, ये कोई ऑफिस का काम था क्या? अरे अर्चना वो उसे ऑफिस में जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही होगी तुमसे बात करने की, इसलिए। लेकिन माना फिल्म की ऑफर कैसे, मतलब अर्चना वो नहीं है इस शहर में, कोई नहीं है उसके पास, इसलिए उसे लगा कि मैं उसके साथ जा सकता हूँ। तुम छोड़ो ना, थोड़े दिन में समझ जाएगी वो। चलो अभी हॉस्पिटल भी तो चल रहे हैं। चलिए। मैडम मैडम ये देखिए मैं क्या लाई। क्या, क्या क्या? फिल्म की 2 टिकट। कौन सी फिल्म? साजन बिना ससुराल। तू ही जा ससुराल देखने, मैं नहीं आती। लेकिन क्यों पागल, जब रात को मैं दामोदर जी के साथ रहती हूँ उधर हॉस्पिटल में, तो मुझे हमेशा उनको कहानी सुनानी पड़ती है, वो है हिंदी फिल्मों के बड़े शौकीन, कहानी सुनते ही मुझे सवाल पूछेंगे और जवाब देते देते मेरी नींद खराब होती है ना। तो फिर क्या आप इंग्लिश फिल्म की कहानी सुनाएंगी? तो क्या हुआ, मुझे अंग्रेजी आती नहीं क्या? तुझे मालूम है ना कैसे फटाफट बोल देती हूँ मैं अंग्रेजी। और क्या है, दामोदर जी को अंग्रेजी आती नहीं, मैं स्टोरी सुनाऊंगी, मेरी अंग्रेजी सुनते 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 वो बोर हो जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे, तो मुझे पूरी रात नींद तो मिलेगी। मैडम मैडम इससे अच्छा है ना हम ना मलयालम फिल्म देखने चलते हैं। मलयालम? दांत क्यों दिखा रही है? अरे पिक्चर देखने के लिए थोड़ी तो भाषा समझनी चाहिए, आनी चाहिए, कैसे देखेंगे फिल्म? जाने दो ना, तू मुझे बोर करती है, मैं एक काम करती हूँ, मेरे दामो तू और मैं जाएंगे इंग्लिश फिल्म देखने के लिए। लेकिन कुत्तों को वहाँ फिल्म देखना अलाउ नहीं है। क्या बोली? मेरा मतलब है कुत्तों को वहाँ फिल्म देखना अलाउ नहीं है, हो सकता है इसको ले जाने के लिए वो लोग मेरे दामू को लेके जाने देंगे, समझी?
रो मत मेरी प्यारी, रो मत, रो मत मेरी सुंदरी, रो मत, रो मत, मैं तुझे छोड़ नहीं जाऊंगी। हाँ, आइडिया आया दिमाग में। क्या? दामू को मैं बाजू वाले के घर में 3 घंटे के लिए रख देती हूँ। जरा पता क्या, क्यों तू भी चल दामू को उठा। भैया पानी भर रहे हो? मेरा एक काम था, 2-3 घंटे के लिए मेरे दामू को आपके पास रखोगे? बाप रे बाप, ऐसे कौन संभालेगा, मुझे 14 इंजेक्शन नहीं लगवाना, एक काटता है। नहीं नहीं भाई, नहीं, गलत फहमी है, ये एक तो काटता नहीं, और काटेगा ना तो आपको इंजेक्शन लेने नहीं पड़ते हैं, मेरे दामू को दिलवाने पड़ते हैं। अरे नहीं नहीं, फिर भी वैसे नहीं संभाल सकता। अगर मैं 2-3 घंटे के लिए, मतलब मेरे दामू को रखने के लिए आपको अगर मैं 500 रुपए दे दूं। ठीक है, मैं संभालूंगा आपके दामू को, पहले 500 रुपए दे दीजिए। अरे देती हूँ, क्या जल्दी है, देखो मैं जाके आती हूँ, आने के बाद देखूंगी आपने मेरे बच्चे को रुलाया तो नहीं, आपने मेरे बच्चे का खाने का सेहत का ख्याल तो रखा है ना, ये सब देखूंगी। तुरंत 500 रुपया दे, 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 सुंदरी दे। हाँ भैया, संभाल के रखना मेरा बच्चा, बोल के उसको रखना। मैडम चले, डॉक्टर के यहाँ जाना है, चोट लगी है। चल मैं भूल गई, चल चल। कैसी है वो लड़की, आई मीन काम संभाल रही है ना? बहुत अच्छी है और बहुत काबिल भी है, मेरे आने से पहले सारा काम खत्म कर देते। बहुत इम्प्रेस लग रहे हो तुम, संभलना अर्चना। क्या बनाए? आलू वड़ी, रोटी, मटर पनीर, बैंगन और दाल। आज कितने दिनों बाद ऐसे टाइम पे खा रहा हूँ, वो भी तुम्हारे संग बैठ के। कितने दिनों बाद? कितने महीनों बाद? हाँ भाई। लेकिन इसके लिए तुम्हें आशना जी को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आशना जी ने ही वो सेक्रेटरी दी है जिसकी वजह से मेरा वर्कलोड कम हो गया है और मैं इतना सारा टाइम तुम्हारे साथ बिता रहा हूँ। मेरे बारे में बात हो रही है ना? आइए आइए प्लीज। थैंक यू मानव, वो देखिए अब्रॉड गए हैं, अकेले खाने का मन नहीं कर रहा था, सोचा तुम दोनों के साथ बैठकर खाना खा लूं। बहुत वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत वक्त हो गया। आगे, ये क्या तुम दोनों ही आज खाना खाने के लिए, बाकी लोग कहाँ हैं? वो एक्चुअली अच्छा, कहीं तुम दोनों का रोमांटिक डिनर करने का इरादा तो नहीं था? नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, आई तो बाबा के पास ही हॉस्पिटल में और सचिन और सोहम खाना खाकर सो गए। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, अरे झूठ मूठ का ही हाँ कहते थे। आई आई, ये देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सचू तू सोया नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? आई एक बात बोलूं? बोल। आज मैंने बाबा के साथ क्रिकेट भी खेला। अच्छा तू जाके सो। क्या बात है मानव, आज क्रिकेट भी खेला, टाइम पर खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ। मैं तुमसे कह रहा है ये सारी चीजों के लिए तुम्हें आशना जी को थैंक्स बोलना चाहिए, उन्होंने सेक्रेटरी दिलवाई मुझे। अरे हाँ, उससे मुझे याद आया, कैसी है वो लड़की, आई मीन काम संभाल रही है ना? बहुत अच्छी है और बहुत काबिल भी है, मेरे आने से पहले सारा काम खत्म कर देती। बहुत इम्प्रेस लग रहे हो तुम, संभलना अर्चना। मानव ने पहले किसी की इतनी तारीफ नहीं की है। अरे वो आई के बारे में कुछ पता चला? आशा जी,
कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं एक मिनट में आई। आई कैसी उलझन में डाल दिया तूने मुझे, कैसे पाप करा रही है तू मुझसे। मैंने आज तक कभी मानव से कोई बात नहीं छुपाई और आज तू नहीं जानती तेरे गायब होने को लेकर वो कितने परेशान है और मैं सब कुछ जानते हुए भी उनकी परेशानी दूर नहीं कर पा रही। एक तरफ तेरी कसम है और दूसरी तरफ मानव का प्यार, क्या करूं।